ऊपर हो गया चलिए ठीक है। चलिए अर्को एंड टेररिज्म का दोनों का जो मिला जुला रूप है ये पाकिस्तान की लेटेस्ट ताज़ा साजिशों का नतीजा है जो पिछले लगभग डेढ़ दो साल से देखने को मिला है। इसमें नारकोटिक्स को मिलिटेंसी की फंडिंग का एक जरिया बनाया जा रहा है। नारकोटिक्स को जम्मू कश्मीर के यूथ को टारगेट करने का एक जरिया बनाया जा रहा है। नारकोटिक्स को जहाँ के समाज को खोखला करने का एक जरिया पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि पंजाब की मिलिटेंसी जब ख़त्म होने पे आई थी पाकिस्तान की गंदगी एक नए रूप में उनकी एजेंसियों की नज़र आई थी। जो नशाखोरी की लत नशाखोरी की तस्करी पंजाब में उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी वही काम अभी जम्मू कश्मीर में शुरू पाकिस्तान की एजेंसी के थ्रू हुआ है। जबकि मिलिटेंसी जहां पर दम तोड़ रही है वो चाहते हैं कि जहां इसके साथ साथ लोगों को इसकी सज़ा दी जाए कि उनके नापाक इरादों का साजिशों का हिस्सा बनने से यहां का यूथ यहां का समाज यहां के लोग पीछे क्यों हट रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दो साल से इसको बहुत ही निशानाबद्ध तरीके से टीचाबद्ध तरीके से इसके ऊपर काम करने की कोशिश की है जिसके नतीजे में पुलिस की एफर्ट्स पहले के मुकाबले में 3 गुना पिछले 3 साल में बढ़ गई हैं लगभग। और जो लोग इस केसेस में गिरफ्तार किए गए पकड़े गए जिनको कोर्ट कचहरियों तक ले जाया गया जिनको सज़ा दिलवाई गई उनकी तादाद अभी हज़ारों में पहुंची है। ये काम इसी तरीके से जारी रहेगा। इसी में इंटरस्टेट जो गैंग ऑपरेट करते हैं नार्को कार्टल जो ऑपरेट करते हैं उसमें बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर खासतौर पे जम्मू के खित्ते की पुलिस को मिली है जिसमें पंजाब के साथ तार इनके सिंडिकेट्स के जुड़ते हैं। बहुत सारी रेड्स करके पंजाब से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ नार्को टेररिज्म के मिले जुले जो केसेस हैं वो भी कुल मिला करके 20 के करीब केसेस इस वक्त जेर तफ्तीश हैं। उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरह के नेक्सस मिलिटेंट आउटफिट्स के टेररिस्ट आउटफिट्स के जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं उनके इसमें जो इन्वॉल्वमेंट सामने आई है जिसमें लश्कर क्या हिजब क्या बाकी जथेबंदियां क्या इवन जैश मोहम्मद क्या जो मिली खुली मिली जुली जो जो खेप है वहां से हथियार की नारकोटिक्स की और कैश की बेचते हैं। जो लोग इनके लिए काम करते हैं उनको सीधा कैश मिले जो इस चीज़ को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं कुरियर का काम करते हैं उसको नगद इनाम जो है वो सॉटी के जरिए ही भेजा जा सके। इस कार्रवाई में पिछले कुछ अरसे से ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया है। बहुत सारी ड्रोन्स की जो सॉटीज हैं जो ड्रोन की ड्रॉपिंग्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकी एजेंसीज के साथ मिल करके उनको रिकवर किया है। केसेस लगे हैं तफ्तीश हो रही है और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो हैं वो बेनकाब हुई।